जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं एक और जन्म कुंडली का विश्लेषण। तो ये जो जन्म कुंडली है ये अशोक सावंत जी की है। अशोक सावंत जी मिलान कीजिए 27/4/1971 जन्म दिनांक 5 बजे सुबह जन्म है आपका ब्रह्म मुहूर्त का। धुले महाराष्ट्र, बर्थ पैलेस, जन्म स्थान। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, मेरा प्रमोशन कब होगा, फाइनेंशियल कंडीशन कब इंप्रूव होगी, खुद का मकान का सुख कब प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। मीन लग्न है आपका शुक्र उच्च के विराजमान, द्वितीय भाव सूर्य बुध शनि, जहां सूर्य उच्च के शनि नीच के, नीच भंग राजयोग का निर्माण, चंद्रमा उच्च के वृषभ राशि में पराक्रम भाव में, पंचमेश उच्च का है आपका, गुरु अर्थात लग्नेश नवम भाव में बलि होकर बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और जहां पे वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल उच्च का राहु के साथ, अंगारक योग अवश्य है लेकिन लक्ष्मी वाले भाव में है। बेफिक्र रहिए, बहुत ही अच्छा जन्मांक है आपका, अच्छी जन्म कुंडली है। निश्चित तौर पर आप बुलंदियों को हासिल करेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, मान सम्मान होगा आपका। फिलहाल अभी आपको कुछ मान सम्मान में कमी आई होगी, क्योंकि सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं। एक प्रथम भाव मेष राशि में उच्च का होता है, एक सप्तम भाव तुला राशि में उच्च का होता है, दोनों एक साथ बैठ गए, दोनों विपरीत स्वभाव के एक साथ बैठ गए। तो ये थोड़ा सा समाज में, यहाँ जहाँ आप कर्म करते हैं वहाँ शनि देव अपमान दिलाने में पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन सूर्य उच्च के हैं तो वो बार बार आपकी रक्षा अवश्य करें। लग्न आपका 21 डिग्री का है, मजबूत लग्न है, गुरु भी भाग्य भाव में बलि होकर बैठे हैं, जहां शुक्र भी बैठा है उच्च का मीन राशि में, हर तरीके से सुख आपको मिलेगा। धन फाइनेंशियल कंडीशन कब इंप्रूव होगी आपने पूछा है, सूर्य शनि थोड़ा सा पीड़ित अवश्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए जैसे ही 2023 बीतेगी आपकी परिवार में जो समस्याएं आ रही हैं, धन से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो गायब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, हर तरीके से धन की आपको प्राप्ति होगी। गुरु की महादशा चली हुई है 26/6/2023 तक, मंगल की अंतरदशा 26/1/2021 तक। प्रमोशन का ये समय चल रहा था, अभी हाल फिलहाल आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए था, जैसे ही सितंबर आएगा या सितंबर जैसे बीतेगा आपका प्रमोशन की खुशखबरी आपको मिलेगी। और बात करें मकान के सुख की, आपने पूछी है खुद के मकान की सुख, तो 2023 में आप खुद का मकान बनाना शुरू कर देंगे और मकान आप बना लेंगे। आप आपके समाज में, आप आपके कुल में नाम रोशन करने वाले रहेंगे। तो थोड़ा सा ये है कि आप आलस्य ना करें, आप भक्ति भाव रखते होंगे और आपका
बजरंगबली अगर की आप अगर सेवा करें तो आप पूजा पाठ में भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये फल आपको दिव्य मिलेगा। ज्ञान के क्षेत्र में भी आप पारंगत रहेंगे। 2 से 1 है आपका। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आप मुंह फाटोगे अर्थात कमी आप पकड़ लेंगे और हाथों हाथ मुंह पर उसके बोल देंगे, चाहे परिवार का हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे किसी कोई भी हो, तो जिससे लोग आपसे दूर रहेंगे, रहना पसंद करेंगे, भले ही वो ऊपर से खुश हों लेकिन अंदर से वो थोड़ा सा आपकी वाणी की वजह से दुखी हो रहेंगे। हो सकता है आपकी जो पत्नी हो उनके साथ भी थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो सकती है, तो पत्नी से संबंध अच्छे रखें। शुक्रवार को कोई ना कोई उनको उपहार अवश्य दें, फिर देखिए आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होती है। गुरु आपके लग्नेश हैं, महादशा चली हुई है, तो गुरुवार का व्रत रखें, सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें, पिता की सेवा करें और जितना हो शुद्ध सात्विक रहें, मांस मीट बिल्कुल त्याग दें। किसी भी मंदिर में जाएं, दर्शन करें, पीपल के वृक्ष की, केले के वृक्ष की सेवा करें, केले का वृक्ष हो वहां दीपक जलाएं, देसी घी का जल आदि डालें, फिर देखिए आप कैसे अद्भुत फल आपको मिलता है। मंगल उच्च का है तो जमीन से भी आपको लाभ मिलेगा, मकान से भी आपको लाभ मिलेगा, छोटे भाइयों से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको मंगल देवता को, मंगलवार को हनुमान जी को और मंगल देवता को मसूर की दाल जो लाल कलर की होती है उसका हलवे का भोग बनाइए, दोनों को भोग लगाइए। सुंदरकांड का पाठ संकल्प लेकर या हनुमान चालीसा 11 बार संकल्प लेकर आप पढ़ें, शुरू करें, फिर देखें आप कैसे आपको अद्भुत लाभ मिलता है और आपका प्रमोशन संबंधी कार्य जो है वो शीघ्र अति शीघ्र पूरा होगा। सुंदरकांड पढ़ने की या हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत आपको डालनी है, फिर आपको हर सुख मिलेगा। तो ये था आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन। और भी जो सवाल रह गया हो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय अवश्य रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।